शेफ डॉन किचन में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं एक स्वादिष्ट व्यंजन जो गोवा से है, अंबाड़े करी। अंबाड़े यानी के आमरा, इसको हिंदी में जंगली आम भी कहते हैं, इसको आमरा भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको हॉक प्लम कहते हैं। हॉक प्लम प्लम बनाने के लिए मैंने हॉक प्लम लिया है, हिंग लिया हुआ है, मस्टर्ड, गुड़, हल्दी पाउडर, मेथी के दाने, करी लीव्स, ग्रेटेड कोकोनट, लाल मिर्च। इसको पहले हम लोग धो लेते हैं अच्छी तरह से, इसको अंबाड़े को अच्छी तरह से धो लेना है। ये मैंने इसको अच्छी तरह धो लिया है, इसके बाद इसको मैं पील कर लिया मैंने। अब इसको कूट लेना है, हमने आधा कूट लेना है, पूरी तरह से स्क्वॉश नहीं करना है, इसको कूट लेना है। वो इसलिए कि मैरिनेट हो जाएगा तो बहुत मज़ेदार लगेगा खाने में। अब इसमें ये देखो ऐसे दिखना चाहिए, ये इस तरह से हमने कूट लेना है। इसमें हमने अभी नमक और गुड़ डाल के इसको मिला लेना है। कम से कम इसको 15 मिनट आपने रखना है, इसको 15 मिनट से ज़्यादा भी रख सकते हैं तो और भी बेटर है। तो ये हो गया इसका मैरिनेशन, और चलो रख देते हैं। अब इसके मसाले की तैयारी करते हैं। मसाले की तैयारी के लिए इसको आपने लेना है नारियल, सूखी मिर्च, मेथी के दाने, हल्दी पाउडर और पानी डालकर इसको पीस लेना है। बहुत अच्छी तरह से फाइन पीस लेना, बिल्कुल इसके ऐसे पीस लेना है आपको। ये परफेक्ट सॉस दिख रहा है, वैसे जैसे ही आपको इस तरह से दिखने लगे तो आपने सॉस इस तरह से बना लेना है। तो ये अपना परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। तो जैसे ही बर्तन आपका गर्म हो जाए तेल डाल दो, और तेल गर्म होने के बाद हम डालेंगे हींग, मस्टर्ड सीड डालेंगे, राय, और इसको मिला लेंगे। जैसे ही आप लोग इसमें मस्टर्ड सीड डालोगे ना, बाय गॉड इतना मज़ेदार स्वाद आता है। अब डालेंगे करी पत्ता, ये हमने करी पत्ता डाली। ओए होए होए होए, क्या खुशबू आ रही है दोस्तों, मैं कह रहा हूँ आपको एकदम बेस्ट वेजिटेरियन डिश है ये, एकदम वेजिटेरियन व्यंजन है ये। अगर आप लोगों को वेजिटेरियन के शौकीन हैं, आप लोग वेजिटेरियन पसंद करते हो तो ये आपके लिए बेस्ट है। तो अब डालते हैं इसमें हम जंगली आम, आमरा और प्लम, जो भी आप इसको नाम कहो, और इसको हम लोग सील कर लेते हैं अच्छी तरह से। इसको सेकना है ताकि हमने अच्छा ब्राउन, गोल्डन ब्राउन ब्राउन कलर इसमें मिले, दिखने में भी अच्छा लगेगा, खाने में भी बहुत मज़ेदार लगेगा। इसको गोवा में हम लोग ज़्यादा एंजॉय करते हैं, ये व्यंजन आपको ज़्यादातर गोवा में कोंकण में नज़र आएगा, और बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार व्यंजन होता है मेरे दोस्तों। आप लोग को एक बार तो बनाना बनता है, आप लोग एक बार बनाओ बार बार बनाओगे। जी हाँ, तो इसी सॉस से आप लोग कुछ और भी बना सकते हो, वो मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊँगा। आज हम लोग इस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ठीक है। ये अपना कलर आ गया, मस्त ब्राउन कलर आ गया। अब हमने इसमें डालना है अपना मसाला, पिसा हुआ मसाला इसमें अभी ऐड कर देते हैं। ये डाली हमने मसाले, ओए होए होए होए, खुशबू यार क्या बताऊं। अगर आपको लगे कि ये बहुत सूखा सूखा लग रहा है तो थोड़ा पानी ऐड कर लो, ज़्यादा भी ऐड मत करना। हमने पतला सॉस नहीं चाहिए, थोड़ा गाढ़ा रखना है हमने। अगर आपको लगे ये सूखता जा रहा है तो थोड़ा पानी ऐड कर लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सॉस ऐड करने के 10 मिनट बाद आपका खाना तैयार। ये नमक ऐड कर ली मैंने, थोड़ा थोड़ा और पानी डाल दिया, और इसको मैं अभी बॉयल कर लूँगा। आप देख सकते हैं कि मैंने कितना पानी डाला हुआ है इसमें, ज़्यादा भी नहीं है, मीडियम साइज़ का पानी है। और अपना इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसका जो गैस को धीमी रखना है, आपको धीमी आंच पे इसको पकाना है, और आपको खाना इस तरह से आपको लाजवाब व्यंजन आपका तैयार। प्योर 100% वेजिटेरियन वीगन, आप लोग मज़े करेंगे, बाय गॉड मैं कह रहा हूँ। एक बार बना के देखो, आप लोग गोवा के खाने में बहुत बहुत इंटरेस्ट दिखाएंगे उसके बाद। तो ये अपना व्यंजन तैयार है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा, और आप लोग भी ये व्यंजन घर में ट्राई करोगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना,
मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ और नया बनाते हैं। नमस्कार।